नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के आगे व जीरो रोड के समीप बीते महीनों रेलवे विभाग के द्वारा अंडरब्रिज निर्माण कराया गया, जिसमें बरसात का पानी भर रहा है। वहीं रामपुर गांव के समीप संचालित कन्या व बालक विद्यालय में आने वाले छात्रों को भी लंबी दूरी तय कर आवागमन करना पड़ता है, जिससे छात्र रेल लाइन पार कर विद्यालय जाने को मजबूर हैं। यहाँ रेल विभाग के द्वारा ओवरब्रिज व अंडरब्रिज नहीं बनाने से ग्रामीण भी परेशान हैं। गौरतलब है कि यहाँ रेल पटरियों से आवागमन के दौरान कई हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा चुकी है। इस मामले में जिम्मेदारों से जब बात करने का प्रयास किया गया तो वह संपर्क में नहीं आ सके। अपने यहाँ जो ओवरब्रिज का काम रेलवे का बहुत दिन से लटका हुआ है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जो वार्ड नंबर 4 के आजू बाजू गाँव पंचायतें हैं, जिसमें कम से कम 8-10 गाँव हैं, जो वार्ड नंबर 4 से मार्केट की ओर आने का और स्कूल की ओर आने का बच्चियां बच्चे जो भी लाइन क्रॉसिंग करके आते जाते हैं, उनको बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इस तरह से जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनाई गई है वो लगभग 7-8 किलोमीटर पूर्व की ओर और 7-8 किलोमीटर पश्चिम की ओर बनाई गई है, जो कि इसके बीच में स्कूल और मार्केट है। न ही यहाँ ओवर ब्रिज का प्रावधान किया गया और न ही अंडर ब्रिज का। डर नहीं लगता आपको? लगता है, मजबूरी है, क्या करें। और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? नहीं है रास्ता। ये पाली और पाली के दूरस्थ वार्डों को जोड़ने का एकमात्र साधन है कि हमारे रेलवे क्रॉसिंग की जो पुलिया है यहाँ से, और यहाँ से नीचे से पानी बहकर जाता है, जिसमें रेलवे प्रशासन द्वारा और नगर पालिका द्वारा मिलकर एक संयुक्त रूप से सर्वे कर एक रोड आने जाने का साधन बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और दुखद बात है, बच्चे जिनको रामपुर स्कूल जाना पड़ता है, जिनकी दूरी काफ़ी दूरी पर है यहाँ से, तो वो भी लाइन क्रॉस करके जाते हैं, और जिससे कि आज नहीं तो कल कोई भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और रेलवे प्रशासन हम लोगों को कहता है कि लाइन क्रॉस न करें, और इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं देता है। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।